आरएसएस जिस तरह से इंफोसिस को बदनाम किया, हो सकता है थोड़े दिन बाद रतन टाटा को भी बदनाम करेंगे, हो सकता है थोड़े दिन बाद बिरला को भी बदनाम करेंगे, क्योंकि जो भी इनके खिलाफ बोलता है ये उनको लगते हैं कि ये सब लोग जो है नक्सली हैं, वामपंथी हैं। 90% से ज्यादा जो गवर्नर 2014 के बाद मोदी सरकार ने अपॉइंट किए वो सारे आरएसएस के थे। मोदी जी कई बार आप देखेंगे कि जिन चीज़ों को नहीं बताना चाहिए वो बताते हैं और जिनको छुपाना चाहिए वो नहीं छुपाते। जो इनके काम के नहीं रहते तो उनको जो है ये फ्रेंच लेदर की तरह जो है वैसे इनकार कर देते हैं और कूड़ेदान में डाल देते हैं कि कभी उनकी सुध नहीं लेते। अब मैं मान लो कहूं कि आरएसएस जो है काली पूंछ वाला बंदर है और ये काली पूंछ वाले बंदर जो है छोटा लेकर हनुमान जी का घूमते हैं, तो आप क्या कहोगे? तो नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंदोस में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम, हमारे साथ हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी आपके चहेते। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयं सेवक आरएसएस की। उन्होंने अपने पाणिज्य में जो मुख्य पत्र उनका कहा जाता है एक लेख लिखा है, उस लेख लिखा इन्फोसिस जो भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं। कहा गया है कि टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा है, नक्सलियों का हिस्सा है और अगर इसे प्रोजेक्ट देते रहें तो आईएसआई और चीन से हमें खतरा हो सकता है। और ये सारी चीज़ें क्यों कही गई हैं वो महज एक बात है, वो हमें रविंद्र कुमार जी बताएंगे। और इस लेख से एक तरह से पूरे के पूरे विपक्ष, पूरे के पूरे जितने हमारे इंटेलेक्चुअल है उन सब को देशद्रोह की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। सर क्या है पूरा मामला? 5 सितंबर को पांजन्य में एक 4 पेज की स्टोरी छपी जी, जिसमें जिसका शीर्षक है घात और आघात। अच्छा। और उसमें नारायण मूर्ति जो कि इंफोसिस के संस्थापक प्रमुख रहे हैं उनकी फोटो छपी है। और उस लेख में ये कहा गया है कि इंफोसिस की सहानुभूति हमेशा से वामपंथी, नक्सली और देश के टुकड़े टुकड़े गैंग से रही। और उसमें उन्होंने ये आरोप लगाया है कि विपक्षी दलों की साजिश है कि इंफोसिस जो है जानबूझकर भारत की जो आईटी की सबसे बड़ी कंपनी है और जो कि एक पहली भारतीय कंपनी है जिसकी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग हुई थी, तो इंफोसिस हिंदुस्तान की एक तरह से आईटी इंडस्ट्री का एक प्रतीक है। अच्छा। उसके बारे में उन्होंने कहा कि यह कंपनी जो है विदेशी जो आईएसआई है और चीन है उनके संबंध इसके तार जुड़े हुए हो सकते हैं। और ये भी उन पर आरोप लगाया गया कि विपक्षी दल जो है इस साजिश के पीछे हैं कि इंफोसिस को जो एक वेब पोर्टल डेवलप करने के लिए एक सरकार ने एक प्रोग्राम दिया था जिसमें था कि जीएसटी का वेब पोर्टल डेवलप किया जाए और इनकम टैक्स रिटर्न भरने का पोर्टल जो है डेवलप किया जाए। अब आप देखिए कि NIC नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर जो भारत सरकार की एक संस्था है वो इस काम को देखती थी और कभी भी हिंदुस्तान के किसी आदमी को इनकम टैक्स रिटर्न भरने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। अक्सर ये जरूर होता था कि कई बार जो है जब डेड एंड पे मान लीजिए डेट आ जाती थी कि आपको आज आखिरी दिन जो है आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न कंप्यूटर पर भरनी है तो वो क्रैश हो जाती थी। लेकिन क्रैश तो कई बार हो जाती है, जैसे जब नैनो की बुकिंग हो रही थी तब भी कई वेबसाइट क्रैश हो जाती हैं। आप देखेंगे जब भी एक महत्वपूर्ण दिन होता है तो 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो या और कोई दिन हो तब भी साइटें क्रैश हो जाती हैं। बिल्कुल, तो क्रैश एक टेक्निकल मुद्दा है। लेकिन उसके लिए जो है भारत सरकार ने और पर्टिकुलरली उन्होंने इसके लिए संघ को आगे किया और संघ का मुख्य पत्र जिसे पांजन्य हिंदी में बोलते हैं और अंग्रेजी में आप जो है मदरलैंड बोलते हैं। अच्छा। एक इनका एक अखबार आता था जो इमरजेंसी में के बाद बंद हो गया था और ऑर्गेनाइजर एक वीकली पत्रिका है जो कि पांजन्य के साथ साथ ही छपती है जी। अब सवाल ये आता है कि आरएसएस का, दीनदयाल शोध संस्थान का, पांजन्य का, ऑर्गेनाइजर का और समझिए केशव कुंज का, इन सबके जो आशुंगिक संगठन जिसे बोलते हैं, अनुषांगिक संगठन बोलते हैं, वो तकरीबन देश में 350 है। अच्छा। उनको भारत सरकार पूरी मदद देती है, जरूरत से ज्यादा उनकी मदद की जाती है। अच्छा। और एनजीओ का जितना भी फंड है जो सोशल डेवलपमेंट का है वो आरएसएस के इन्हीं अंगों को मिलता है। अच्छा। और आरएसएस का इस सरकार में चोली दामन का साथ है, इस तरह समझ सकते हैं कि जितने भी मोदी सरकार ने गवर्नर अपॉइंट किए हैं वो तकरीबन 90% आरएसएस के लोग हैं। अच्छा। बड़े पदों पे जितने भी लोगों की नियुक्ति की जाती है वो आरएसएस के होते हैं जी। और अब आरएसएस और जुडिशरी का भी संबंध जो है इतना बेपर्दा हो गया है कि रंजन गोगोई भारत के प्रधान सर्वोच्च न्यायाधीश होते हैं, उसके बाद वो जो रिटायर होते हैं तो आरएसएस की अनुशंसा पर वो जो है राज्यसभा में मनोनीत सदस्य हो जाते हैं। दूसरे जो हमारे प्रधान न्यायाधीश होते हैं
श्री बोबड़े वो हम देखते हैं कि उनकी फोटो आती है कि आरएसएस के मुख्यालय पर नागपुर में जा रहे हैं। अच्छा, तो इसका मतलब जो है आरएसएस जो है एक तरह से अष्टपदी ऑक्टोपस की तरह जो है हर संस्था को अपने सहारे पे ले लेता है, और जब उन्हें लगता है कि हमारे लिए कुछ ऐसे सवाल खड़े हो गए हैं, कुछ ऐसी परिस्थिति खड़ी हो गई है जो विचित्र है, जो सहनीय नहीं है, तब वो आराम से पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमारा इससे कोई संगठन से कोई संबंध नहीं है, ये इनके व्यक्तिगत विचार हैं, ये इनकी व्यक्तिगत धारणा है, ये लेखक के निजी विचार हैं। और राजनीति में आप देखिए कि आरएसएस के जो मुखपत्र है पांजन्य का खंडन कौन कर रहा है, जो कि इनकी प्रचार प्रमुख है, जो कि जिनका नाम आप जानते हैं आंबेडकर के रूप में, के सुनील आंबेडकर जो है वो कहते हैं कि लेखक के विचार हो सकते हैं, आरएसएस का इससे लेना देना नहीं है, और पांजन्य और ऑर्गेनाइजर जो है आरएसएस के मुखपत्र नहीं। तो ऐसी हालत एक बड़ी विचित्र सी हो जाती है, क्योंकि मोदी सरकार जो है हर चीज पे झूठ बोलने में माहिर है। आप देखेंगे कि मोदी जी जब 64 साल के हो गए, तब तक देश के लोगों को मोदी जी ने आधिकारिक तौर पर नहीं बताया कि मैं देश में विवाहित था और मेरी पत्नी है जिसका नाम जो है यशोदा बहन है जी। वो 2014 में दुनिया को पता चला। मोदी जी कई बार आप देखेंगे कि जिन चीजों को नहीं बताना चाहिए वो बताते हैं, और जिनको छुपाना चाहिए वो नहीं छुपाते। वो चाय पीने को ऐसे बताते हैं कि वो चाय बेचने को ऐसे बताते हैं जैसे उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में जो है पीएचडी की हो, कि मैं जो है चाय बेचता था। तो इसी तरह जो है ये पूरी आरएसएस जो है एक ऐसे खानदान की बात है कि जो कभी भी अपने बड़े से बड़े हित चिंतक को कभी भी इनकार कर सकते हैं। जैसे वो आप देखेंगे कि लाल कृष्ण अडवाणी जो थे, पहले अडवाणी जी के पीछे ये लोग जो है जुलूस निकाल कर चलते थे राम मंदिर के टाइम में, और राम जन्मभूमि का जो रथ था वो अडवाणी जी चलते थे, मोदी जी उसके ड्राइवर थे। अब उस ड्राइवर ने जो है अपने जो प्रमुख है उसको अपने घर बैठा दिया। इसी तरह इन्होंने आप देखेंगे कि मुरली मनोहर जोशी, जिनके पीछे पीछे जो है मोदी जी जो है गए थे कि लाल चौक पर हम जो है श्रीनगर में झंडा फहराएंगे, उनको भी घर बैठा दिया। इसी तरह अपने जितने भी लोग हैं आप देखेंगे कि जिनसे इनका मोह भंग हो जाता है या जो इनके काम के नहीं रहते, तो उनको जो है ये फ्रेंच लेदर की तरह जो है ऐसे इनकार कर देते हैं और कूड़ेदान में डाल देते हैं कि कभी उनकी सुध नहीं लेते। अब ऐसी हालत में जो है इन्फोसिस के ऊपर जो इन्होंने हमला किया है, वो हमला इसलिए किया है क्योंकि मोदी सरकार ने उद्योगपतियों को भी खेमों में बांट लिया है। उन्होंने बांट लिया है कि ये इन्फोसिस जो है ये कांग्रेस से, क्योंकि नंदन नीलकर्णी जो है कांग्रेस के टिकट पर जो है बेंगलोर से चुनाव लड़े थे, तो ये जो है कांग्रेसी हैं। उन्होंने नारायण मूर्ति, जो कि एक तरह से हमारे देश में जो है इन्फोसिस और दूसरी ऐसी आईटी कंपनियों के सबसे बड़े भीष्म पितामह कहे जा सकते हैं, उनको वो कहते हैं सरकार विरोधी हैं ये। इसी तरह ये जो बजाज के जो राहुल है, राहुल बजाज, उनको कहते हैं ये सरकार विरोधी है। इसी तरह इन्होंने कुछ उद्योगपतियों को मान लिया सरकार के समर्थक हैं, जिसमें अडानी आते हैं, अंबानी आते हैं, आप देखेंगे कि जो दूसरी और कंपनियां हैं जो इनके बड़े करीबी हैं, चाहे वो बिरला हों या अग्रवाल हों, अशोक अग्रवाल हों या दूसरे लोग हों, उनको ही अपना मानते हैं। और इस तरह की बात जो है कौन करता है, वो करते हैं जो कि सत्ता में बैठे हैं। हिंदुस्तान की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो इंफोसिस के जो ये पोर्टल का झगड़ा है जो कि 7 जून को शुरू होना था और 7 जून को उसमें बहुत सारी साइट जो है क्रैश हो गई, उसके बाद उन्होंने जो है नंदन नीलकर्णी को टैग किया, पब्लिकली टैग किया, और ये कहा जी एक इंफोसिस जो है इस काम को पूरा नहीं कर पा रहा, जिसके जवाब में नंदन नीलकर्णी ने भी उसी ट्विटर पे जवाब दिया कि भाई ये जो है जल्दी ठीक हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने जो सलील पारिख हैं जो कि इंफोसिस के इस समय चेयरमैन है, उनको 23 अगस्त को भारत सरकार ने अपने कार्यालय बुलाया और उनको चेतावनी दी और उनको एक डेडलाइट दे दी कि 15 सितंबर तक आपको ठीक कर देनी है। तो 15 सितंबर तक ठीक कर देनी है, उससे पहले 5 सितंबर को ही जो है आरएसएस आग बबूला हो गया। अच्छा। और आरएसएस आग बबूला हो गया, उसे 4 पेज की चिट्ठी लिख दी, और चिट्ठी लिखने के बाद अब कोई उस पर ये नहीं कहता कि भाई जो है आप कैसे जो है इन्फोसिस को
टुकड़े टुकड़े गैंग कह सकती है। सवाल ये टुकड़े टुकड़े गैंग है क्या? भारतीय जनता पार्टी को एक रात को सपना आता है और एक नया शब्द ईजाद कर लेते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग, वो एक मीडिया पे चल जाता है और टुकड़े टुकड़े गैंग जो है आज तक भी कहेगा, एनडीटीवी भी कहेगा, आप देखेंगे कि जीटीवी भी कहेगा, रिपब्लिक भारत भी कहेगा, टीवी 9 भी कहेगा, सब कहेंगे जी टुकड़े टुकड़े गैंग है। भाई टुकड़े टुकड़े गैंग की परिभाषा तो बता दो, कम से कम ये तो पता चले कि मैं हूँ टुकड़े टुकड़े गैंग में या आप हो टुकड़े टुकड़े गैंग में या कौन है। यानी देश में ऐसी अस्पष्ट अवधारणाओं की राजनीति हो रही है जिसमें आप कह सकते हैं कि काली पूंछ वाला बंदर, मैं मान लो कहूं कि आरएसएस जो है काली पूंछ वाला बंदर है और ये काली पूंछ वाले बंदर जो है छोटा लेकर हनुमान जी का घूमते हैं, तो आप क्या कहोगे? तो इस देश में बेहूदगी और नालायकी का एक पूरा का पूरा षड्यंत्र चल रहा है और उस षड्यंत्र का नतीजा है कि हम देखते हैं कि आरएसएस नई नई विचारधाराएं गढ़ती है, नक्सली के नाम पे लोगों को बर्बाद बदनाम किया जाता है, फिर कहा जाता है ये अर्बन नक्सली हैं, फिर कहा जाता है ये वामपंथी हैं, ये कहते हैं कि आप जो है लिबरल हैं, ये लोग जो है सेकुलर कहके भी लोगों को बदनाम कर सकते हैं। यानी कि अगर इनके ढांचे में कोई आदमी फिट नहीं बनता तो ये कुछ भी कहके, कल को ये भी कह सकते हैं शाकाहारी होना जो है हिंसा का कारण है या मांसाहारी होना हिंसा का कारण है, या शाकाहारी लोग जो है नपुंसक होते हैं, मांसाहारी लोग जो है बहुत ज्यादा रेपिस्ट होते हैं। तो कुछ भी बात इस देश में आज के समय में 2014 के बाद कही जा सकती है और यही आरएसएस का एक षड्यंत्र है जो पूरे देश में चल रहा है। और आरएसएस ने जिस तरह से इंफोसिस को बदनाम किया, हो सकता है थोड़े दिन बाद रतन टाटा को भी बदनाम करेंगे, हो सकता है थोड़े दिन बाद बिरला को भी बदनाम करेंगे, क्योंकि जो भी इनके खिलाफ बोलता है ये उनको लगते हैं कि वे सब लोग जो है नक्सली हैं, वामपंथी हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। और मैं कहता हूं कि ऐसे सारे लोग जो इस तरह की धारणा दूसरे लोगों को कहते हैं वो काली पूंछ वाले बंदर हैं, वो काली पूंछ वाले भूत हैं और वो जो है देश को बदनाम कर रहे हैं और मोदी सरकार जो है इन काली पूंछ वाले भूतों के साथ है, ये देश की सबसे बड़ी विडंबना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बताया कि इस लेख का मतलब क्या है और क्यों कहा जा रहा है ये सब। जनता पर छोड़ते हैं, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों किसी और एपिसोड में रविंद्र कुमार जी की आपसे मुलाकात कराएंगे, तब तक ले लीजिए इजाज़त।